सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को, दबाएं बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और जैसे कि देख रहे हो आपके ये डिस्कवर 100cc का इंजन है, ठीक है। ये तो इंजन है 100cc का और ये देख रहे हो DTSI मॉडल है 100cc वाला, ठीक है। न्यू मॉडल में जो डिस्कवर आए थे, तो फ्रेंड आज की वीडियो फ्रेंड ये बता रहा हूँ मैं। देखो इसका हाफ इंजन हो रहा है और हाफ इंजन में डिस्कवर के क्या क्या मैं चेंज कर रहा हूँ और क्या क्या चेंज होता है, मैक्सिमम खर्चा क्या आएगा, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, देखो ये तो इसका हेड का सामान है ऊपर का, यानी हेड का सिलेंडर का वो टाइम इंजन पैड वैड। ये इसका पिस्टन है और पिस्टन की कंडीशन जो निकली है फ्रेंड, पिस्टन इसका सीज निकला है। ये जो डिस्कवर बाइक जो है, यानी ये जो डिस्कवर बाइक थी वो पहाड़ पे गए थे घूमने, इतनी बुरी तरीके से पिस्टन सीज हो गया कि बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वन साइड से हुआ है, यानी कि इनलेट साइड से पिस्टन सीज हुआ है और बहुत बुरी तरीके से हुआ है, ठीक है। पिस्टन इसका नया पड़ेगा और वैसे भी मैंने इसका पिस्टन बोर करा के ला गया हूँ और हेड के वाल्व ग्रैंड हो रहे हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा, हेड के वाल्व भी नए पड़ने हैं और इसका पिस्टन भी नया पड़ेगा फ्रेंड। ये इसमें जो फर्स्ट नंबर का पिस्टन है, ये जो कुछ भी नहीं लिखा है इस पे, देख रहे हो ये स्टैंडर्ड नंबर का है और इस पे स्टैंडर्ड लिखा नहीं है, पर ये JB फिर ये A और फिर ये 22AR1 ये स्टैंडर्ड नंबर पिस्टन है और इस पे कोई भी नंबर नहीं है, वो गाड़ी के साथ का जो लगाया था यही पिस्टन है वो, ठीक है। अब मैं जो डाल रहा हूँ इसमें पिस्टन फ्रेंड, अभी मैं इसको देख दिखाता हूँ आपको, जो इसमें डाल रहा हूँ 25 नंबर का पिस्टन है फ्रेंड। अब जो पढ़ रहा है फ्रेंड पिस्टन, इसमें पिस्टन ये पढ़ रहा है 25 नंबर का पिस्टन है, इस पे 0.25 लिखा है JB, ठीक है। और ये तो कुछ भी लिखा रहता है, हर एक का पिस्टन का नंबर सेम नहीं होता है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। और ये गोड्स का पिस्टन डाल रहा हूँ इसमें, फिलहाल कोई शिकायत नहीं आती है, मीडियम थोड़ा खर्चा भी मैक्सिमम कम ही आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा जो आएगा कम से कम 2000 के समथिंग खर्चा आएगा। तो फ्रेंड देखो इसमें ये पिस्टन डाल रहा हूँ और इसका बोर हो गया है, बोर कंप्लीट है, बोर में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इसकी अभी सफाई वफाई करूंगा फिर बाकी को फिट करूंगा। ये हेड के स्प्रिंग है डिस्कवर के, यानी डिस्कवर सोसाइटी के जो स्प्रिंग होते हैं वो इस हिसाब के होते हैं दिखने। और ये दूसरा स्प्रिंग है ऊपर का, एक कटोरी काटर कटोरी है और ये इसके जो देखो डिस्कवर के जो रोकर होते हैं ना, कुछ इस डिजाइन के होते हैं फ्रेंड, देख रहे हो आप कि ये काफी अलग डिजाइन के हैं, क्योंकि एक के एक फिट नहीं होते हैं, अलग अलग मॉडल के रोकर होते हैं और इसमें बैरिंग वाले रोकर लगे हुए हैं, दोनों रोकर ये हैं और इसकी ये चार काटर हैं। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं इंजन में कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना। देखो ये जो डिस्कवर है 100cc है, इसमें मैक्सिमम खर्चा 2000 से 2500 रुपए समथिंग खर्चा आता है मैक्सिमम हाफ इंजन इंजन में, जिसमें रिंग पिस्टन चेंज होते हैं, हेड के वाल्व चेंज होते हैं और प्लस उसमें वाल्व सीलें चेंज होती हैं, प्लस हाफ किट चेंज होती है और उसमें इंजन ऑयल नया पड़ता है वो ब्रांडेड अच्छी कंपनी का, ठीक है। और ये सारे पार्ट्स ओरिजिनल पड़ेंगे तब जाके इसमें कम से कम 2000 से 2500 रुपए खर्चा आएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है उसमें वीडियो में कि क्या क्या चेंज होगा, फिलहाल हेड के वाल्व का तो नहीं बताया, पर वाल्व चेंज होंगे और वाल्व ग्राइंडिंग को गए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फिलहाल खर्चा जो आता है उसमें इतना आता है 2000 से 2500 समथिंग, और हाफ इंजन में जो होता है वो आपको मैंने बता दिया। और टोर का जो इंजन सीज हुआ था वो पहाड़ पे गए थे घूमने, तो उस वजह से इंजन हीट ज्यादा हुआ और ऑयल था नहीं, तो इस वजह से इंजन सीज हो गया। और मैंने आपको दिखाया कि वन साइड जो बड़ा वाल्व होता है, इनलेट वाल्व जो होता है, उस साइड से यानी पिस्टन की जो साइड होती है उस साइड से सीज हुआ है, ठीक है। पिस्टन हीट हुआ है, हीट होने के बाद इंजन जाम हो गया ऑटोमेटिक ऑयल ना होने के कारण। तो फ्रेंड अब इसका हाफ इंजन हो रहा है, हाफ इंजन में यही कुछ होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।